हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ओडिशा, ठीक है, ये हमारे गूगल में सर्च कर लिए ओडिशा। ओडिशा हमारा झारखंड, सॉरी, हमारा इंडिया का इस पार्ट में ओडिशा है, और इस पार्ट में कौन कौन सा लॉ कॉलेज है जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले यही लॉ कॉलेज के बारे में जो कि ओडिशा में है, आप देख सकते हैं ओडिशा। ओके, तो यहाँ पर आज इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये है कि लिस्ट ऑफ द लॉ कॉलेज इन ओडिशा बेस्ड ऑन 2023 रैंकिंग। तो 2023 के रैंकिंग के अनुसार सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है जहां से आप पढ़ सकते हो और आपका लाइफ को, करियर को अच्छे से बना सकते हो लो कॉलेज में। चलिए विदाउट किलिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, इस कॉलेज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा कोर्स होते हैं, फी कितना है, और रैंकिंग आपको बताएंगे ताकि आप अपना एडमिशन यहाँ पे करा सकते हैं। साथ ही आपको इस बात की पता चलेगा कि कौन कौन सा कॉलेजेस यहाँ पर हैं। ओके, देख लीजिए, लिस्ट सबसे पहला नंबर में आता है, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो है आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के IIT भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही आपका कॉलेज है। आज हम बात करेंगे 20 कॉलेज के बारे में बात करेंगे। इसका फी आप देख सकते हैं कि 2 लाख फी इसका। अब इसका रैंकिंग जो है सब 30 में 11 इसका रैंकिंग है NIRF, ठीक है, 2022 में इसको दिया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोर्स कौन कौन सा होता है। यहाँ पे इसे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि सिंपली लॉ के बारे में बात करें तो आप देखिए BBA, LLB, BA, LLB, ठीक है, BCom ऑनर्स जो आपका, ये बहुत सारे कोर्स है लॉ में, ये है आप उसके बाद BCA, LLB, ये सारे कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। तो इसका फी भी ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते, 2 लाख रुपया है। ओके, जो कि इंडिया में सबसे बेस्ट में है सब। ओके, पहला खत्म हो चुका है। दूसरा बात करते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, तो NLU जो है आपका, ये आपका ओडिशा में है, जो कि कटक में है, कटक ओडिशा में यहाँ पे ये है। ओके, यहाँ पे इसका आप देख लीजिए फी जो है का 1 लाख, ठीक है, 1,39,000 रुपया है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे इसका कोर्स के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा कोर्स होता है। LLB LLM है, ठीक है, PhD का होता है, BA LLB होता है, BB LLB ऑनर्स होता है, BA LLB ऑनर्स एंड BB LLB ऑनर्स दोनों कोर्स होता है यहाँ पर। इसके बारे में डिटेल आप जान सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, एडमिशन रिजल्ट रिव्यू, टॉप प्लेसमेंट रैंकिंग, जो क्लियरी में फोटो देखना चाहते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है, फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें इस कॉलेज में आप जान सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, आरिस कॉलेज का जो है रैंकिंग आप देख सकते हैं 4.10 में 8.3 जो इसका यूजर रिव्यू यहाँ जो दिए हैं ऐसा। ओके, आप देख सकते हैं 25 ये इसका रैंकिंग है सर 2022 के साथ, 2022 जो NRF इसका रिपोर्ट है इसके मुताबिक। ओके, इसी तरह से और बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये भी है यूनिवर्सिटी, इसका 6,000 आपको दिस, सॉरी 6 लाख रुपए इसका दिख रहा है आपको फी वगैरह, यहाँ देख सकते हैं इसका जो है, आप देखिए डिटेल में देखोगे यहाँ पर आप कोर्स के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कोर्स LLB का कोर्स होता है, LLM का भी कोर्स होता है यहाँ पर। ओके, भी इसमें भी आप अपना एडमिशन करा सकते हो, तो ये एक तरह का इसका डिटेल में जान सकते हो, कोर्स फी, एडमिशन रिव्यू, कट ऑफ, ये हो गया जनरल गैलरी, ठीक है, ये सब। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर में जो हमारा कॉलेज है, ठीक है, KIIT स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो भुवनेश्वर में है ऐसा, भुवनेश्वर ओडिशा में है, मेन सिटी में ऐसा, और ये जो है ओडिशा का जो राजधानी है भुवनेश्वर है। ओके, तो इस यहाँ पे 2 लाख रुपये फी है इसका, आपका रैंकिंग इसका 8 है, 22वां नंबर इसका रैंकिंग, 40वें इन बैंकिंग टूडे, ठीक है, टूडे इन इंडिया। आप देख सकते हैं इसका फी जो है 2 लाख रुपया है, कोर्स जिसमें होता है BA LLB, BL LLM, BBA LLB, PhD, BSc LLB, ये सारे कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। और जितने भी कॉलेज हैं, अगर मान लीजिए इस कॉलेज आपको एक एक कॉलेज के बारे में डिटेल में जाना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग बताऊंगा सा। देखिए आप सीखा, ठीक है, ठीक है, 4th नंबर में हमारा जो कॉलेज जो है आपका यूनिवर्सिटी है सीखा अनुसंधान, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो है आपका भुवनेश्वर में है, इसका 1.5 लाख रुपये इसका फी है, BA LLB के लिए बहुत ही कम फी है, बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। ओके, यहाँ का फी देख लीजिए इसका 1.5 लाख रुपये, पूरा सेमेस्टर फी दिखा दिया आपको, ट्यूशन फी कितना दिखा गया, पूरा डिटेल में आपको देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल ईयर फी जो आप देख सकते हैं कितना है आपका। ओके, तो ये आपका एक ईयर पर इतना खर्चा, इतना खर्चा हो आपका हो जाएगा, तो ये आप फी आप देख सकते हैं, BA LLB कोर्स यहाँ पे होता है। ओके, ये आपको बता दिया मैं, आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है ऐसा XIM यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, ये भी भुवनेश्वर में है, इसमें 1,73,000 ईयर का फी है आपको, BA LLB का कोर्स यहाँ पे होता है, और इसका जो रिव्यू देख सकते हैं, यूजर रिव्यू यहाँ पे 8.2 है ऐसा। ओके,
इसका भी फी आप देख सकते हैं तो ज़्यादा, और कौन कौन सा कोर्स कराता है तो आप देख सकते हैं। एक ही कोर्स अभी तो फिलहाल दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी के लिए 5 ईयर आपका 45% पर 12 में होना बहुत ज़रूरी है ऐसा। ओके, कैंपस फुल पूरा फुल कोर्स यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और इसके बारे में और आपको डिटेल में जानना है तो मैं बोल दिया हूँ कि आप एकदम पॉज करके आप इसको देख सकते हैं अच्छे से डिटेल में इसको। ओके, इसके बारे में ओके, या वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं छठवां नंबर में, ठीक है। द धनकानल लॉ कॉलेज, द ठीक है, धनकानल, ठीक है। तो ये है एल एल बी कोर्स यहाँ पे धनकानल उड़ीसा में है ऐसा। ओके, LLB का कोर्स होता है यहाँ पे। इसका फी बताया नहीं गया है कितना में है, लेकिन 7.6 इसका रैंकिंग है जो है, यूजर रिव्यू इसका दिया गया है ऐसा। ओके, उसी तरह से ऐसा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज भुवनेश्वर, ये जो है इसका 45 आपका लगेगा साल में खर्चा। आप देख सकते हो 45 आपका साल में खर्चा लगेगा। लेकिन ये देखिए, सब जितने भी कॉलेज है इसका अप्रूव भी आप देख सकते हैं, BCI UGC से सबको अप्रूव है। ओके ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका फी देख लीजिए 45, 1 ईयर BA LLB कोर्स होता है। साथ में और भी कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा, फुल टाइम क्या क्या ऐसा डिटेल में कोर्स नेम भी आपको होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ड्यूरेशन 5 ईयर्स, फुल टाइम लॉ जो है, स्पेशलाइजेशन जो आपका लॉ में होगा, फिर 12th में होगा, और एंट्रेंस बेसिस आपका एग्जाम होगा। जितने भी एग्जाम में बता रहा हूँ सब एंट्रेंस बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। ओके, नेक्स्ट हम 8 नंबर में बात करते हैं, ASMB, ठीक, ASMB यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। ये 85,000 आपको लगेगा, और ये जो आपका है BA LLB कोर्स होता है फर्स्ट ईयर आपका। ओके, उसी तरह से ऐसा बाजी राउत मेमोरियल, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे जो कॉलेज, इसका भी डिप्लोमा PG डिप्लोमा इन लॉ होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका फी वगैरह आपको बताया नहीं गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10 नंबर में जो होता है ठीक है, गंजाम लॉ कॉलेज भुवनेश्वर, ठीक है, बेरहामूर, ठीक है, बेरहामूर दिखा रहा है। 30,000 इसका पर ईयर का फी है, 30,000 LLB के लिए। आप देख सकते हैं LLB कितना फी लगेगा आपका, देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। शुरू में आपका लगेगा आपका 30,000, फिर 29,000 लगेगा ऐसे करके, फी वगैरह का आपको लगेगा टोटल। तो देख सकते जोड़ के आप लोग इसका देख सकते हैं इसमें खर्चा इसका लगने वाला है। ओके, ये कॉलेज इसका जो एडमिशन जो होगा बहुत सारे इसमें, ठीक है, इसका हर कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम बेसिस पे होता है। किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में आपको जानना है तो कमेंट कर सकते हैं ऐसा उसके, ठीक है। उसके बाद माधुसूदन लॉ कॉलेज, ठीक है, कटक। तो ये है 175 जो आपको लगेगा टोटल फी आपका हो गया, पूरा कोर्स का 175 लगेगा। सबसे अच्छा इसका मैं कह सकता हूँ कि ये कॉलेज थोड़ा, ये इसका जो है आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। ओके ना, अब देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन, इसका जो है यहाँ पे दिख रहा है आप सबको, इवेंट जो इसका होने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा 10 अगस्त 2023 में इसका, से लेकर नवंबर 10 2023 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जनवरी में इसका रिजल्ट जारी होगा, एग्जाम दिसंबर में होगा। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर लो भाई, यहाँ पे दिख गया तो हम बता दिया आपको फटाक से। ओके ना, इसी तरह से 11th नंबर हमारा ऐसा, ठीक है, बिरहामूर लोक बिरहामूर ब्रह्मपुर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ब्रह्मपुर। तो ये सेवन इसका जो है एक साल का फी जो आपका है बहुत सस्ता फी, बहुत ही कम फी आपका यहाँ पे देख रहा है, 7,651 रुपये लगेगा आपको पैसा यहाँ पे। और इसका LLB का जो है फर्स्ट 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 ईयर का इतना खर्चा है आपका, ठीक है, ज़्यादा खर्चा यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका। ओके ना, 7,000 जो उसके बाद बहुत कम फी है इसका, देख सकते हैं इसका बहुत कम फी लगेगा इसका 200। उसके बाद ट्यूशन फी आपका 250 पर लग रहा है, ठीक है, 240 का लग रहा है, ठीक है, बहुत ही कम फी इसका। तो यहाँ पे अपना ट्यूशन करा सकते हैं, बेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, ये आपका हो गया 25,000 लगेगा इसका, ठीक है, फकीर मोहर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो इसका 25,000 लगेगा LLM का लिए फर्स्ट ईयर का ऐसा। ओके, आगे बात करते हैं इसका नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, जो आपका नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी जो है बारी बारीपादा, ठीक है, 13,000 इसका लगेगा, ठीक है। इसमें जो है PhD डिप्लोमा करने के लिए दिया गया है साहब, PhD सॉरी, यहाँ पे इसका कोर्स आप देख सकते हैं, इसका बारे में ज़्यादा दिखा तो नहीं रहा ऐसा। ओके, चलिए, टोटल फी 13,000 इसका दिखा रहा है ऐसा जनरल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला हमारा कॉलेज जो है साहब ठीक है, संबलपुर जो है यूनिवर्सिटी संबलपुर। तो इसमें आपका जो लगेगा वो 42,000 रुपये लगेगा, आपका पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। ओके, इससे ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा, और इसी तरह से कॉलेज है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर,
9500 सर लगेगा। ओके, इसी तरह से और कॉलेज जैसा बिरहामूर यूनिवर्सिटी हरिहर, ठीक है, हरिहर मजदर जो भी है, ठीक है, कॉलेज जैसा सेंट्रल डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर, ठीक है, ये इतने सारे हो गया स्टेट। उस तरह से अभी कॉम्फी आप देख सकते हैं, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ये हो गया आपका। उसके बाद विकास लोक स्कूल, ठीक है, विकास लोक स्कूल बरग्राम, ठीक है, ये आपका हो गया, पूरा कॉलेज के बारे में बता दिया ऐसा। ओके, तो ये सारे इतने सारे यूनिवर्सिटी है, आपका अपना एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे टॉप में जो है आपको मैं बता दिए, यहाँ पर टॉप में आपको दिख रहा होगा, तो ये टॉप 1 2 3 4 5 में 6 7 10 तक आप लोग अपना एडमिशन करा लो तो बेस्ट है। बाकी हर कॉलेज बेस्ट होता है, पर अपने आप में रैंकिंग के हिसाब से जहाँ फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में एंड कोई भी लीगल नॉलेज अबाउट एनी थिंग्स, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन माई यूट्यूब कमेंट। ओके, यूट्यूब कमेंट पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरी वन हमसे जुड़ने के लिए। रवि कौल, बाय बाय।